लो, तो आप लोगों ने कहा कि सर ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। कंटेनर ले लिया, मैंने हमारा क्या था वेयर सिस्टम थे। मैं इसमें कुछ आपको चीजें सिखाऊंगा एडवांस, और अंदर रो लो एंड लो एंड। इसके बाद कॉल सिक्स, कॉल सिक्स को कॉपी कर ले, नीचे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कमेंट कमेंट देखो, जैसे मैं लिखता हूँ ना कोड, ऐसे आप लोग लिखा करो, देखो है ना, एक एक के नीचे कोड देखो, रो में रो बंद है ना। चलो अब सबसे पहले काम किस पे करना है, मुझे इस पे करना है, ठीक है। तो मैं यहां से कॉपी करता हूँ ये, अरे कमाल, चलो इसके अंदर आया, कॉल सिक्स के अंदर लिखा एस टू, और पेस्ट कर दिया, ठीक है। पहले चेक करते हैं कहाँ दिख रहा है मुझे, देखो ये दिख रहा है, ये आ गया। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, एक एम टी इस पे एम टी फोर कर देता हूँ, है ना, तो नीचे आ जाएगा। ये सब लोग सबको पता है एम टी फोर क्या होता है ना। चलो एम टी फोर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा एक पूरे कंटेनर पे, अब देखो बूटस्ट्रैप में बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड करता है कुछ, है ना। तो मैं लिखूँ बीजे डार्क, बीजे का मतलब क्या होता है बैकग्राउंड, और डार्क सबको पता ही होता है डार्क कौन सा कलर होता है। नहीं पा रहा है? अब तुम चाहते नहीं पूरी बॉडी पे आए, यहां से हटा दो, यहां लगा दो क्लास बीजे डार्क, ये बूट सिस्टम क्लास है, पूरी पा गया, दिख रहा है किससे आया, ये बूट स्टेप की क्लास बनी हुई है बीजे डार्क, है ना। उससे स्टॉप कर दिया मैंने, अरे अरे अब देखो यहाँ पे ये हो गया डार्क। अब ये कलर नहीं दिख रहा होगा ये, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एस टू के अंदर देखें कलर टैक्स वाइट, टैक्स वाइट बूट स्टेप की क्लास है, टैक्स वाइट बता दूंगा कौन कौन से कलर दे रखे हैं बूट स्टेम ने भी, है ना। व्हाइट हो गया ना, तो अभी क्या लिखना होता स्टाइल कलर व्हाइट करना पड़ता, इससे बड़ा कितना कम आसान हो गया, है ना। चलो और फिर ये ले लेते हैं ये पार्ट, एच फोर रख लेते हैं, ठीक है, इसको इसके अंदर भी कर देते हैं टास्क एक्स वाई, ठीक है, या H5 कर लो, कुछ भी कर लो, अल्ट्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो लेआउट सीखना है ना। ठीक है H या P ले लो, ठीक है ले लो, खत्म लो, ठीक है पी आ गया। और इसी बी को मैं कॉपी कर, एक इसी कॉपी कर लेता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसमें क्या लेना है, लेना है सेव किया, ठीक है इतना बन गया।
अब ये लाइन लगानी है तो इस तो एचआर से आएगी, इसमें भी दे दो क्लास टेक्स्ट राइट नाम की, ठीक है, ये लाइन लिख रही है अपने ना। अब हमें क्या करना है कि ये बैनर बनाना है, जो मैंने इमेज कॉपी कर ली इसकी बैनर की, और यहाँ पे इसके नीचे इमेज SRC पेस्ट कर दिया, ठीक है, और बिट सेट कर दिया इसकी WB क्लास W100 करते हैं अपन, इतना बड़ा गया, ठीक है। अच्छा ध्यान लगा देते हैं, देखो दिख रहा है सबको इमेज। अब पहले हम इतना पार्ट जो बनाया हम इसको चेक कर लें कि भाई इतना जो सेक्शन है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अब देखो इतने सेक्शन बना लिए हमने अपने, कोई क्लास यूज करी खुद की, दिख रहा है सबको, सब ने किसका यूज कर लिया, बूटस्ट्रैप का, है ना। अब पहले रिस्पॉन्सिव चेक कर लो, पता चले रिस्पॉन्सिव ही नहीं हो रहा, पूरी मेहनत देकर चलेगी अपनी, देखो रिस्पॉन्सिव पूरी प्रॉपर, देख लो बिल्कुल फिनिशिंग, ऐसे भी चेक कर लो, देखो देख लो है रिस्पॉन्सिव, कितना काम आसान कर रही है आप लोगों का, बूट स्टेप नहीं कर रही क्या, देखो कितना बढ़िया लग रहा देखने में, हाल मोबाइल भी तुरंत बन गया, डेस्कटॉप भी मोबाइल भी, है ना, जो आप जो बनाते हैं, ठीक है। अब पहले इतना नोट करो फिर अपन आगे सेक्शन पे आते हैं। अब एक चीज का बहुत ध्यान रखना आप लोग, ये कोड लिखने के तरीके का, ठीक है, ये कोड लिखने का, डिप के नीचे डिप हो, आप सब देख लो, देख लो, देखो जो स्पेसिंग, डिप के नीचे हमेशा डिप बंद करो, ठीक है। अब देखो जो मेरा डिप है ना कंटेनर का, इसी के नीचे देखो डिप की लाइन डिप बंद है, इसी के नीचे रो के नीचे देखो रो के बंद होगी लाइन, है ना, ऐसे बंद करा करो, पहले इतना नोट करें। एक अलग फाइल form.html, एक अलग फाइल form.html, हाँ जी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, जो लाइन दिख रही है लाइन जी, जो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आ रही है, इसके लिए यूज किया, इसके लिए यूज किया है। HR टैग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आता है ना इससे,
नोट कर लें। बोलो क्या नाम है? नहीं आई। नहीं है वो भी हिंदी शायद भूल गई होगी वो। चल कोई नहीं, मंडे मंडे को आएगी, मंडे को पूछ लूंगा। आज आई थी तो मैंने पूछा नहीं, मंडे को पूछ लूंगा उससे। नोट कर लें। नोट हो जाए तो बता देना है ना। नोट कर लो। नोट हो जाए बता देना। ठीक है, बाकी लोगों का ठीक ठीक कर लो, कर लो। नोट हो जाए बता देना सब लोग।
हो गया। बाकी लोगों का सबका नोट हो गया। चलो अब देखो आगे, तो अब बनाते हैं हम लोग क्या, ये फॉर्म, ठीक है, सेट अप फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, चलो आते हैं इसके अंदर। और सबसे पहले अपन इसके अंदर एक ले लेते हैं विजय वाइट, ना वाइट कर देते हैं। और इसके अंदर लेते हैं एस टू, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक क्लास लगा लेते हैं इसी में, वही एम टी फोर, ठीक है। दिया गया। अब इनमें थोड़ा इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, एक क्लास लगा देता हूँ टेक्स सेंटर, सी एन टी सेंटर, इसका डिप पूरा सेंटर में चला जाएगा, जो बैकग्राउंड लगा हुआ है ना इसलिए, इसको भी हटा दो, उसकी जरूरत नहीं लगाने। बराबर आ गया। अब मैं इसके अंदर फॉर्म बनाता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ पीछे। अब जो एक कलर होता है इन्फो, सक्सेस करता हूँ एस यू डो सी सक्सेस, सक्सेस पता है कौन सा होता है, ग्रीन होता है, सबको पता होगा ग्रीन, दिख रहा है ग्रीन सक्सेस कैसा होता है, सबको पता होगा ना सक्सेस कलर होता है ग्रीन, ठीक है। और एक क्लास लगाते हैं टेक्स्ट सी बी एन टी पी सेंटर, ठीक है। और थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं इसको, यार ठीक है चलो वाइट कर देते हैं, ठीक है इतना रहने देते हैं। अब बनाते हैं फॉर्म, मैंने तो फॉर्म सीखना लाना मुझे, तो आप लोग याद होगा फॉर्म टैक्स से स्टार्ट करते थे, फॉर्म टैक्स से एंड करते हैं, पता है सबको पहले से, फॉर्म टैक्स स्टार्ट, फिर आप लोग क्या करते थे इनपुट टाइप में टेक्स्ट देते थे, और नाम नाम लिख देते थे फॉर्म का जो भी होता था, ऐसे ऐसा यूजर नेम ये आता है, मगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, दिख रहा है सबको, देखो देखो बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा है, देखो रहे देखो रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा फॉर्म, सब देखें लो कहीं आ रहा है क्या, वो तो नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल जैसा आता है ना, मतलब बूट स्टेप वाला फील लेके नहीं आ रहा, डबल डबल एच आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं, तो अब क्या करें, थोड़ा बूट स्टेप वाला फील आया इसमें, है ना। तो अब बूट स्टेप की कुछ क्लासें होती हैं, देखो अब बनाते कैसे हैं बूट स्टेप करना, डेव डिप करना क्लास MB3 समझते हो, मार्जिन बॉटम, और लेबल में लिखा मैंने यूजर नेम, हम यहाँ पे यूज करते हैं लेबल, और फिर लिखते हैं इनपुट, ठीक है। और इनपुट के अंदर रखा हमने टेक्स्ट, और एक दो क्लास लगानी होती है, एक एम बी थ्री और एक इनपुट के अंदर फॉर्म कंट्रोल, ये दो क्लास होती है एक फॉर्म को बनाने के लिए, इनपुट बॉक्स को, ये डिबिया बंद हो गया। डिब के अंदर मैंने क्लास बनाई एम बी थ्री नाम की, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल, ठीक है, फिर ले लिए लेवल में ले लिए यूजर नेम और इनपुट। अब देखो अंतर, देखो अंतर दिख रहा है, सब लोगों को अंतर देखो। अब बात करते हैं हम लोग कि ये फ्रॉम कंट्रोल हटाने से क्या होगा, तो आपका ये एचटीएमएल वाला फॉर्म बन जाएगा सिंपल, जो भी दिखाया था मैंने आपको,
आगे देखो एचटीएमएल आ गया। फ्रॉम कंट्रोल से क्या हो रहा है, जो हमारी कॉल एमडी सिक्स की बिर्थ है ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उसका वो 100% है इनपुट का। समझ आ रहा है आप लोगों को किसका 100% है, कॉल एमडी सिक्स का। अब जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटी करूंगा ना तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इनपुट बॉक्स भी छोटा होगा। ये तो हमारा रिस्पॉन्सिव होता है। देखो अगर मैं पे आ जाऊं रिस्पॉन्सिव पे, देखो अब सब देखें ये आपको दिख रहा है, ये अब देखो यहाँ पर देखो है, देखो छोटा हो रहा है, देखो इनपुट सब लोग देखो कमाल बूट स्टॉक को देखो है ना। जैसे जैसे बिर्थ कम होगी वैसे वैसे फॉर्म की बिर्थ अपना कम हो जाती है। देखो देखो है, अब ऐसे चेक कर लो यार इनपुट देखो बिल्कुल मोबाइल पे, और छोटी स्क्रीन से और छोटी स्क्रीन कर लो, लो अरे समझ आया कि नहीं आया। बेस पूरा रिस्पॉन्स बनना है बना रहे हैं आप लोग फोन। अब ऐसी अब MB3 का रोल क्या है, लेवल तो कुछ नहीं, लेवल रखने के लिए उसको है ना, टैग है तो लेवल टैग। MB3 क्या कर रहा होगा, मार्जिन बॉटम कहाँ पे देगा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखना अब इसमें स्पेसिंग आ गई दोनों बीच में, देखो जा रही स्पेसिंग दिख रही है, ये किससे आ रही है, ये इस MB3 से। अब ये सब पढ़ चुके ना, देखो स्पेसिंग खत्म हो गई, समझ आया स्पेसिंग। MB3 क्लियर, फ्रॉम कंट्रोल क्लियर, तो यूजर नेम बाकी तो पूरा फॉर्म वही है, पासवर्ड यदि पासवर्ड। अब फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है DOB डेट ऑफ बर्थ क्या लिखेंगे इसमें हम लोग डेट, देखो डेटा भी ठीक है। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, लेते हैं कॉलेज CO. कॉलेज, कॉलेज के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ड्रॉप डाउन सब पता है ना, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट सिलेक्ट यूज करते हैं, उसके अंदर ऑप्शन बाकी सब कुछ वही है, बस हमारा काम आसान हो गया। सिलेक्ट सी आगे चल के जब बनवाओगे ना वेब पेज, जब फर्स्ट पेज बना लोगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब मैं एक होम पेज आपको और बनवा दूंगा तो आपके और ज्यादा बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन वाला पूरा डिजाइनिंग आपकी। सर तो एक ही है कि क्लास ना छोड़ो बस, ना फिर तो सब बेकार हो जाएगा आप लोगों का। मैसेज कहता है कि क्लास अगर ली आपने तो आपको आ गया, क्योंकि आपको इसके बाद प्रोजेक्ट ही तो करना है हमारा, नेक्स्ट वीक से आपको हॉस्पिटल चालू हो जाएगा बनना, उसके बाद आप लोगों का प्रोजेक्ट। देखो अभी जो ऐसा आ रहा है, अब इसको सही करना है तो क्या करोगे आप लोग, सिलेक्ट के अंदर क्लास फ्रॉम कंट्रोल नेम, देखो तो बढ़िया आ रहा देखो अपने। और इसके बाद हम लेते हैं एड्रेस, बाकी सब फील्ड वही रहेंगे, ध्यान रखना आप लोग है ना एड्रेस। अब देखो एड्रेस कितना अच्छा आता है आप देखो, टेक्स्ट यदि अपने आप सेट होके आएगा, टेक्स्ट एरिया ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है अपने अकॉर्डिंग, अब इसके अंदर क्लास लगा देते हैं हम लोग, मेन क्लास तो यही है फ्रॉम कंट्रोल वाली। देखो अपने अकॉर्डिंग सेट हो गया, देखो सब लोग देखो बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग सेट है, देखो कुछ करने झंझट नहीं आपको, दिख रहा है सबको
पूरा रिस्पॉन्सिव। और अब रिस्पॉन्स देख लो आप, पूरा देखो, देख लो, देखो दिख रहा है। अब बनाते हैं बटन लास्ट में। अब बटन के लिए बूटस्ट्रैप ने क्लास दी है। हम लोग इतने सारे बटन में पंगे करते थे ना सब में। अभी सिंपल ये बटन बनेगा, देखो ये है सिंपल बटन, सिंपल सा। फिर हम इसमें डिजाइनिंग सेट करते रहते थे ना। बूटस्ट्रैप ने क्लास दी है BTN। BTN से क्या बन गया जी, बूटस्ट्रैप का बटन बन गया। देखो देखो दिख रहा है, देखो ऐसा आ रहा है, देखो ठीक है। अब मुझे इसमें कलर देना है। BTN से बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप का बटन बन गया ये, देखो क्लिक करने पे देखो दिखता है, देखो ऐसे। अब मुझे इसमें कलर देना है, तो मैं लिखा BTN प्राइमरी। देखो प्राइमरी कौन सा कलर होता है, देखो आप लोग ये वाला कलर प्राइमरी कौन सा कलर होता है, ये वाला देखो दिख रहा है। ऐसे दो तीन कलर होते हैं, आपको दिखा देता हूँ, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये सब में चलते हैं, देखो बैकग्राउंड में BJ प्राइमरी, BJ इन्फो है ना, वो ये सब में चलेंगे। इन्फो, इन्फो कौन सा होता है देखो, आप यहाँ पे आप लोग देखो इन्फो जो होता है ये वाला कलर, ठीक है इन्फो। तो पेस्ट किया मैंने, सक्सेस तो देख लिया, सक्सेस होता है हाँ। ऐसा आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। डेंजर, डेंजर जानते हैं सब लोग, रेड होता है ना, देखो रेड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बता दूंगा अभी करते जाएंगे काम पर। और वार्निंग, एक होता है वार्निंग, ये सारे देखो रिस्पॉन्सिव होंगे, देखो है, देखो समझ आया। तो जैसे मांगे चलो, तो मैं प्राइमरी यूज कर रहा है, तो ये प्राइमरी कॉपी करो यहाँ पे लगा दो, इसमें कहाँ था ये, इसमें लगा दो, कहाँ गया, कहाँ लगाया था ये, डेव के अंदर, हाँ जी लगाया सक्सेस, ये लगा दो प्राइमरी, BJ प्राइमरी कर दो, लो प्राइमरी हो गया, बन गया फॉर्म। और देखो इस इतने फॉर्म में हमने कोई CSS नहीं लगाई, लगाई हमने खुद ही कोई CSS, आप देख लो है ना, सारा काम कैसे हुआ, बूटस्ट्रैप की क्लास से। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सबको, चलो नोट कर लो। नोट कर लें सब लोग,
एक मिनट, राखी सोनी आई है बैच में, राशि अब नाम लिखा दिया एंगुलर के लिए, एंगुलर के लिए शांत ज्वाइन कर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वन कब तो बनेगा, जनवरी में जाके। और 7 तारीख से 4 से शाम को होगा, 4 से 5 मॉर्निंग में नहीं है, मिड सेम का डेली धरूंगा, तो 3 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। वो आप देख लो, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। प्लेसमेंट हुआ किसी कंपनी में? तो मिड सेम प्लेसमेंट करा देंगे आपके, मिड सेम प्रैक्टिकल सब चीजें। सोचो अगर कॉलेज में कंपनी नहीं आई, नहीं हुआ कॉलेज से प्लेसमेंट, फिर आपको यही स्किल आपको प्लेसमेंट दिलाएंगी, ना कि ये FT जिले जो आप मिड सेम प्रैक्टिकल हैं वो सब मैनेज हो जाते हैं, करना चाहो तो ठीक है। बाकी आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। और कोई है इसमें 7 सेम वाला बैच में जिसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा हो कहीं कुछ, जिसको एंगुलर पढ़ना हो बता देना। डिजाइनिंग में कोई बंदा है जिसका 7 सेम हो, जिसको एंगुलर पढ़ना हो, शाम को 4 से 5 क्लास होगी ऑफलाइन ऑफिस में। 23-24 नाम हो चुके हैं, 3-4 नाम बाकी हैं बस। हाँ जी नाम बताओ, तुम्हारा नाम लिखा नहीं है, तुम्हारा नाम लिखवाया नहीं था बैच में, 9 बजे वाले बैच में, मानने वाले बैच में हो कि छोड़ दिया? अच्छा अच्छा कहाँ रहते हो? अच्छा अच्छा ठीक है, शाम को 4 से 5 आ जाना 7 तारीख को। सेमेस्टर कौन सा है? अच्छा ठीक है, वैसे एम सिटी में कंपनी तो कोई आती नहीं है। मन वाला बैच बना कर लो, नया चालू होने वाला है अब, सही रहेगा। आप जिसको मन वाला बैच ज्वाइन करना हो नया, कर लेना, MWF में होगा 8 बजे से, 10 तारीख या 12 के आसपास चालू होगा मन स्टैक, मन मीन आप लोगों का बूट स्टेप हो गया है तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना हो वो रजिस्ट्रेशन कर देना। चलो टाइमिंग रहेगी MWF में 8 से 9। नोट कर रहे हैं,
बाकी रहूंगा सबका हो गया। तो अब आपको टास्क क्या करना है, आप अपने टास्क सब सुन लें।